स्लाइड वन, चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोजी कोड सेशन कोड द्वारा यौन शोषण के एक मामले पर चर्चा करेंगे और इस कोड के द्वारा दी गई जमानत के विवादित आधार पर चर्चा करेंगे। जमानत का आधार विवादित इसलिए है क्योंकि यह आरोपी को कोर्ट द्वारा इस बेस पर दिया गया है कि संबंधित महिला के वस्त्र उत्तेजक थे। ये पूरा मामला केरल हाईकोर्ट में जब गया तो केरल हाईकोर्ट ने 74 वर्षीय राइटर सेविक चंद्रन की जमानत पर रोक लगा दी और ये पूरा फैसला राज्य सरकार की मांग के आधार पर किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने ये फैसला देते हुए ये कहा कि आईपीसी की धारा 354A के तहत निचली अदालत की उस टिप्पणी को सही नहीं ठहराया जा सकता जिसमें ये कहा गया था कि महिला ने उत्तेजक वस्त्र पहने हुए थे। ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है और इस पर कई तरह के विवाद आ चुके हैं, तो उन्हीं सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। ये केस जो है वो 2020 से इसकी शुरुआत होती है। शिकायतकर्ता इसमें एक युवा राइटर है। उनका आरोप है कि फरवरी 2020 की ये बात है और ये नंदी समुद्र तट के किनारे एक इवेंट हो रहा था, वहाँ उनके साथ आरोपी ने गलत व्यवहार किया। इसकी शिकायत वहाँ की पुलिस से की गई और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A2, 341 और 354 के तहत पूरा ये मामला दर्ज होता है। उसके बाद आरोपी जो है कोर्ट में जमानत याचिका के लिए जाते हैं। उनके जो वकील वहाँ जाते हैं वो अपनी याचिका के साथ महिला की तस्वीर भी कोर्ट में पेश करते हैं और 6 महीने बाद जब इस पर फैसला आता है, 12 अगस्त को ये फैसला आया है, तो कोर्ट उसमें ये कहते हुए चंद्रन को जमानत दे देते हैं कि 74 इयर्स एक एल्डर आदमी जो कि शारीरिक रूप से अक्षम भी है, वो शिकायतकर्ता के साथ इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आरोपी के जो वकील हैं उन्होंने अपने इस याचिका देते समय ये भी दलील दी कि ये पूरा मामला झूठा है, आरोपी को फंसाने की कोशिश हो रही है और ये पूरा मामला 2 साल पुराना है तो इस पर अब क्यों शिकायत की जा रही है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कोजी कोड सेशन कोड का जो ये अवलोकन है आखिर विवादों में क्यों आ गया, विवादों में आने का इसका क्या कारण है। पहला तो इसका मेन कारण यही है कि किसी सत्र न्यायालय ने कोई फैसला दिया और उस फैसले को जो है हाई कोर्ट के द्वारा बदल दिया गया, तो जो बदलने के आधार हैं वो ही अपने आप में इसको चर्चा में ले आते हैं। दूसरा जो है इसका मेन जो इस पे फोकस है वो महिलाओं की पोशाक पे है। पोशाक का चुनाव व्यक्ति का निजी मत होता है, वो उसकी निजता और गरिमा की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग होता है। किसी भी व्यक्ति के पहनावे को आंकना किसी जज का काम नहीं होता, ना ही औरत का पहनावा जो होता है वो उसकी मर्यादा को भंग करने का लाइसेंस होता है। कोई महिला अगर छोटे वस्त्रों में है तो किसी को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि उसके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में पोशाक का चुनाव जो होता है वो स्वयं के संबंध में होता है और व्यक्ति की उस पर पूरी संप्रभुता होती है, यानी कि किसी महिला का ये अधिकार है कि वो किस तरह के वस्त्र पहने, उसको कोई इसमें गाइड नहीं कर सकता। कपड़े चुनने के लिए ज़बरदस्ती करने की जो मानसिकता है ये बहुत पुरानी है और ये वर्तमान समय में नहीं चल सकती है। तो महिलाओं के खिलाफ ये असमान व्यवहार आज से नहीं है, ये सदियों पुराना है और भारत से नहीं भारत से बाहर का भी है। इसमें कुछ उदाहरण हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। 1429 में जॉन ऑफ आर्क ने पुरुष वस्त्रों को अपनाया था। वो एक महिला थी, वो पुरुषों के वस्त्र पहनने लग गई थी। जब उन्होंने पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू किए तो वहाँ के जो बिशप थे जिनका नाम ब्यूबेस था, उन्होंने उन पर मुकदमा चला दिया। मुकदमा चलाने का कारण ये था कि एक महिला होने के नाते उन्होंने विनम्रता के विपरीत व्यवहार किया है और एक पुरुष के कपड़े पहन लिए हैं और ये देवीय कानूनों का निषिद्ध है, इसके खिलाफ है, तो उन पर केस चला दिया गया था। इसी तरह का एक और उदाहरण मिलता है 1463 इंग्लैंड का। वहाँ का एक शाही आदेश आया था और ये आदेश वहाँ के राजा एडवर्ड फोर्थ ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि भगवान लोगों से नाराज़ है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कपड़े ना केवल पहन रहे हैं बल्कि अमर्यादित कपड़े भी पहन रहे हैं।
इसी प्रकार का एक जो उदाहरण मिलता है फ्रांस से मिलता है। 1583 में फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय ने आदेश दिया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे मखमल हो गया, सैटन, जामदानी, ऐसे कपड़े सिर्फ कुलीन परिवारों तक ही सीमित रहेंगे। और राजा ने ये कहा था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी वर्तमान में हो रहा है उससे भगवान नाराज हैं, वह अपने कपड़ों से किसी व्यक्ति की स्थिति को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए जो है ये किया जा रहा है। तो इस तरह की विचारधाराएं पुराने टाइम में यूरोप और अमेरिका में भी देखी गई हैं। भारत में ये अभी अगर कोई सेशन कोर्ट का जज इस तरह के वर्डिक्ट देता है तो इसका विवाद में आना स्वाभाविक है। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के अवलोकन जो है या इस तरह के केस जो है उन पर सुप्रीम कोर्ट का पास्ट में किस तरह का रुख रहा है। तो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध केस है अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021 का ये केस है। इस राज्य ने यह स्पष्ट किया कि कुछ आचरण ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसे हैं जो अप्रासंगिक मानी जाती हैं। जैसे कि किसी इंसान के लिए ये कह देना कि इसने अतीत में कोई काम किया था तो इसलिए उसके साथ किसी भी तरह के व्यवहार की सहमति मिल जाती है, ये उचित नहीं है। उनके कृत्यों या कपड़ों ने आरोपी की कथित कार्रवाई को उकसाया है, ये कहना भी उचित नहीं होगा। अगर किसी महिला ने कोई ऐसा व्यवहार किया है जो अपवित्र है या भारतीय महिलाओं को ये शोभा नहीं देता, ये बात बोलकर, या उनको इस तरह के व्यवहार का आदि होना चाहिए ये बोलकर, इस तरह की बातें बोलकर किसी भी महिला के खिलाफ किसी तरह का अपराध या उसके साथ कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, तो ये कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में कही हैं जिनको आधार बनाकर किसी महिला के साथ ना अभद्र व्यवहार हो सकता है, ना उसको लोकतांत्रिक राज्य में जो है उसके साथ असमानता का व्यवहार हो सकता है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास्ट वर्डिक्ट को ध्यान में रखें तो सत्र न्यायालय ने जिस आधार पर ये जमानत दी है वो अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये इस तरह का जो व्यवहार है सिर्फ भारत तक सीमित है या भारत के बाहर भी इस तरह का प्रचलन है। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कुछ देशों में ये बहुत पास्ट में देखा जाता था, कुछ देशों में प्रेजेंट में देखा जाता है, और बहुत सारे देश ऐसे भी मिल जाएंगे जहां भारत से भी बुरा हाल है। भारत में हालांकि बुरा हाल नहीं है, यहां एक्सेप्शंस मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां ये सामान्यतः पाया जाता है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, ये काफ़ी आधुनिक देश कहलाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन बहुत सारे अरब कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ इस तरह के राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की या इक्वालिटी की बात ही नहीं होती है। तो अगर हम इस पर बात करें तो ये दुनिया में कोई एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, भारत में होने वाली कोई ये पहली घटना नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक उदाहरण जो है ब्रैडवेल बनाम द स्टेट 1872 का है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को ये कहते हुए कानून का पढ़ाई करने से रोक दिया कि ये कार्य महिलाओं का है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भगवान ने विभिन्न कामों के लिए को जेंडर के हिसाब से डिज़ाइन किया है, भगवान ने डिसाइड किया है कि महिलाओं के लिए ये काम है, पुरुषों के लिए ये काम है, तो कानून बनाना, उसे लागू करना, निष्पादित करना, ये सारे काम पुरुषों से संबंधित है जो भगवान द्वारा डिसाइड किए गए हैं, तो इनको महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 1872 का। यहाँ पर एक महिला जो कि इलिनॉइस राज्य से रिलेटेड थी, मायरा वेलब्रेड, वो कानून का अभ्यास करना चाहती थी और सर्वोच्च न्यायालय में उसने आवेदन दिया था कि मुझे ये जो है अभ्यास करने दिया जाए, इस पर ये वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और उनका मत था कि महिलाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा कार्य परिवार को संभालना और एक माँ के रूप में महानता को पैदा करना और उसको पूरा करना है, सृष्टिकर्ता ने उनके लिए यही नियम बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आज से नहीं, सदियों से महिलाओं को दूसरे दर्जे की नागरिक समझा जाता है, दुनिया भर में पुरुषों की दासी के रूप में उनको पास से ही देखा जाता रहा है। और हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, वर्तमान में भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है। ये पूरा का पूरा विषय महिलाओं की समानता, उनके अधिकारों से रिलेटेड भी है।
समाज से रिलेटेड भी है, न्यायालय से रिलेटेड भी है और हमारे एथिक्स और मॉरेलिटी से रिलेटेड भी है। तो इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिए हुए हैं, बावजूद इसके समानता की कमी दिखाई देती है। तो इसका संभावित समाधान यही है कि सामाजिक कानूनी व्यवस्था जो है हमारी, उसकी पितृसत्तात्मक मानसिकता को हमें ठीक करना होगा और उसके लिए उपचारात्मक उपाय कानूनों के द्वारा हमें जो है नारीवादी न्यायशास्त्र को शामिल करना होगा हमारे पाठ्यक्रमों में, जो कि लॉ के स्टूडेंट के लिए बने होते हैं। नारीवादी न्यायशास्त्र के बारे में न्यायिक अधिकारियों को हमें संवेदनशील, सेंसिटिव बनाना होगा कि जब महिलाओं पर बात आए तो वो उनके अधिकारों और उन सारी चीज़ों के बारे में भी सोचें और उसी आधार पर अपने निर्णय लें। नारीवादी न्यायशास्त्र की सहायता से कानूनी उलझनों को समझने से हमें निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी। कानून का नारीवादी दर्शन कानूनी संरचनाओं पर पितृसत्ता, पुरुषवादी मानदंडों के व्यापक प्रभाव की पहचान करता है, महिलाओं और लड़कियों की भौतिक स्थिति पर उनके प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के लिटरेचर और इस तरह की बुक्स को अगर हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो कि निर्णय देने का अधिकार रखते हैं, तो वहाँ ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही लैंगिकता और कानून में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर हमें विचार करना होगा और लैंगिक अन्याय, शोषण या प्रतिबंध को ठीक करने के लिए हमें सुधार विकसित करने होंगे। नारीवादी कानूनी दर्शन अतीत की गहरी असमानता और लागू करने की असमानता को दूर करने के लिए कानूनी सिद्धांत की जांच भी हमें करनी होगी और उनमें सुधार करने का प्रयास भी हमें करना होगा। भविष्य के लिए मानव अवधारणा और संस्थानों की जो संरचना है उन पर भी हमें काम करना होगा। तो इस टॉपिक को समाप्त करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है हमारा देश और यहाँ न्यायाधीश को सदियों पुराने राजाओं या विश्वों का पुनर्जन्म नहीं करना चाहिए। मतलब कि एक देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के आधार पर अपने फैसले देने चाहिए। न्यायालयों, विशेष रूप से निचली न्यायालयों को निर्णय का मसौदा तैयार करते समय, महिलाओं की गरिमा से संबंधित किसी मामले पर टिप्पणी देते समय अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता भी यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए दिशा निर्देशों को संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई सेशन कोर्ट किसी तरह का निर्णय ले रहा है तो उसे ध्यान देना चाहिए कि पास्ट में इसी सब्जेक्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो उनके क्या दिशा निर्देश पास्ट में आ चुके हैं और उनका पालन भी करना चाहिए। आशा है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।